मन का विकसित रूप शांति है, नियम ही परमात्मा है। हमारा मन अभी तक विकसित नहीं है, इसे विकसित करना है। गुरुकुल में पहले मन विकसित करना सिखाया जाता है। मन की चंचलता को नष्ट नहीं करना चाहिए। मन की शक्तियों को विकसित न करने से जीवन अनेक समस्याओं से घिर जाता है। यह बात पूज्य परम आले जी ने नए दृष्टिकोण वाले शिविर के चौथे दिन अनाज मंडी में कही। प्रातः 6:30 बजे शिविर स्थल पहुँचे। परम आले जी का साधकों ने जमकर स्वागत किया। आले जी ने साधकों के बीच मन की शक्तियों को विकसित करने वाले सूत्रों के प्रयोग किए और उसके संबंधित साधकों से प्रश्नोत्तरी की। उन्होंने कहा कि लक्ष्य हमारा ज्ञान प्राप्ति का है, हम अपने भीतर की माला को नहीं समझ पाते हैं। अपने आप से जुड़ने के लिए किसी को त्यागना नहीं है, भाव जोड़ने का काम करता है, भावनाएं आपको जोड़ती हैं। परम आले जी ने कहा कि आपके मुंह में बनने वाली लार आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। शिविर के मीडिया प्रभारी प्रभुराम मालवीय ने बताया कि परम आले जी ने शरीर में ऊर्जा प्राप्ति और गहरी नींद के लिए साधकों से एक प्रयोग कराया, जिसे नियमित शाम को खाने के 2 घंटे बाद करना है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज नए दृष्टिकोण वाले शिविर का चौथा दिन था और आज हमें सानिध्य प्राप्त हुआ पूज्य परम आले जी का, जिन्होंने कि आज मन की शक्तियों को जगाने के कुछ विशेष प्रयोग और टेक्निकें बताई। उन टेक्निकों के माध्यम से कुछ कुछ अनुभूतियाँ हमको हुई और इस अनुभूतियों को पूरे शहर में फैलाना है, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ये परम आले जी जो हमको संकल्प दिलाया 120 दिनों का, वो हम पूर्ण करेंगे। इसके लिए हम राजबाड़ा कॉलोनी सरस्वती नगर के पीछे DRP लाइन के सामने वहाँ नियमित प्रयोग होंगे 6:30 से 7:15 तक। उसमें हम पूरे शहरवासियों को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी शक्तियों को जगाए 120 दिनों में और आगे की ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत, शक्तिशाली और आनंदमय करें। क्या नाम लेते हैं? मैं नित्यानंद जितेंद्र भावसार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।